थानागाजी के पास ग्राम सालेटा में कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव पर भरतरी सेवा समिति सालेटा ने कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन के साथ प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में ग्राम के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से आमजन का मन मोह लिया। कृष्ण सुदामा प्रसंग राधा कृष्ण के साथ कृष्ण लीला पर बच्चों ने जमकर ठुमके लगाए। गांव के लोगों ने तालियों से उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम का संचालन समाज सेवी दीनदयाल प्रजापत ने किया और अतिथियों का स्वागत समिति के अध्यक्ष भूमाराम प्रजापति व पूर्व सरपंच प्रकाश चंद वर्मा ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सालेटा सरपंच दीप सिंह राजावत ने की। मुख्य अतिथि रामेश्वर यादव, सरपंच संघ अध्यक्ष विशिष्ट अतिथि राजेंद्र शर्मा, वार्ड पार्षद नगर पालिका थानागाजी, पंचायत समिति सदस्य रामावतार यादव, प्रकृति प्रेमी राम भरोस मीणा व स्वास्थ्य कर्मी लोकेश यादव रहे। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए रामेश्वर यादव ने कहा कि कृष्ण द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं उनका अनुसरण करते हुए हमें समाज में अच्छाइयों को अपनाते हुए बुराइयों को त्यागना चाहिए। एलपीएस विकास संस्थान के प्रकृति प्रेमी राम भरोस मीणा ने कहा कि श्री कृष्ण प्रकृति प्रेमी रहे हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी मेरी माँ है, मैं इसका पुत्र हूँ। उन्होंने यह भी बताया कि नीम, पीपल, बरगद, आंवला, बील, खेजड़ी, गूलर जैसे पौधे यदि कोई लगाता है, उनकी रक्षा करता है तो वो स्वर्ग में जाता है, उसे कोई रोग नहीं होता। हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। सरपंच दीप सिंह ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। अतिथियों द्वारा समिति के सदस्यों का स्वागत किया गया और सभी ग्राम की प्रतिभाओं को मोमेंटो देकर सम्मान किया। संस्कृति में कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले बच्चों में सहयोग करने वाले ग्रामीणों का अतिथियों ने सम्मान किया। कार्यक्रम में गांव व आसपास के लगभग 500 महिला व पुरुषों ने भाग लिया।